बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल बिहेवियर में। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले जो आपको सिलेबस में उन्होंने शामिल की हुई चीज़ें वो है सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन मतलब कि ये इंट्रा सेक्सुअल सिलेक्शन है और इंटर सेक्सुअल सिलेक्शन है, जिसमें जो चॉइस ऑफ मेट है, ठीक है ना, उस पर पहले बात करेंगे। तो ये देखिए, वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू डार्विन सेक्सुअल सिलेक्शन कैन अकर थ्रू द टू मैकेनिज्म्स, मेल कंपटीशन फॉर एक्सेस टू द मेट। यानी पहला जो कंपटीशन है उसमें क्या होगा कि मेल की कंपटीशन हो रहा है कि एक मेल दूसरे मेल के साथ कंपीट करता है टू सिलेक्ट द टू बिकम अ विनर फॉर द फीमेल। जबकि सेकंड में क्या होता है, फीमेल चॉइस ऑफ मेट, जो सेकंड सिलेक्शन है उसको हम, वो किस पर डिपेंड करती है, वो फीमेल चॉइस करती है कि मैंने किस मेल के साथ मेटिंग करनी है। तो उसी की बेस पे दो टाइप्स की गई हैं, इंट्रा सेक्सुअल सिलेक्शन है। इसमें क्या होता है, ये इंट्रा सेक्सुअल सिलेक्शन जो है ये मेल करेंगे फॉर द मेटिंग, मेल आपस में कंपीट करेंगे और कंपटीशन के बाद जो विनर होगा वो मेटिंग करेगा। ये इंट्रा सेक्सुअल सिलेक्शन, इंडिविजुअल ऑफ वन सेक्स यूजुअली मेल गेन अ कॉम्पिटिटिव एज बाय फाइटिंग, यानी ये मेल आपस में कंपीट करते हैं और देन फीमेल के साथ कॉपुलेशन करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद जो दूसरे इसकी टाइप है सिलेक्शन की इंटरसेक्सुअल के साथ, दैट इज़ इंटरसेक्सुअल। तो सेक्सुअल सिलेक्शन कैन इन्वॉल्व द सिलेक्टिव मेट चॉइस, यानी इन विच द इंडिविजुअल ऑफ वन जेंडर, सेक्स मतलब जेंडर, इन डिमांड यूजुअली फीमेल चॉइस और चूज द मेट, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन कहा जाता है। ये जो उसने लिखा है यहाँ पर, ये इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन। एग्जाम्पल आप इसकी क्रैब वाली पढ़ लेनी है, ये सिंपल सी एग्जाम्पल, आगे डिटेल आएगी तो इस पर हम मज़ीद इस पर बातें करेंगे। समझ आ गई बात जी। इंट्रासेक्सुअल में मेल आपस में कंपटीशन करेंगे टू बिकम अ विनर फॉर द फीमेल, जबकि इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन में फीमेल सिलेक्ट करेगी, फीमेल चूज करेगी अमंग द मेल। ठीक हो गया जी, ये दो बातें आपने कर ली हैं, इसकी डिटेल हमने आगे पढ़नी है। इससे पहले ये आगे लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन रहा है, इसी पेज पर है कि एक्सप्लेनेशन फॉर सेक्सुअल डिफरेंसेस इन द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, कि मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है वो चेंज है, वो क्यों चेंज है, क्योंकि उनके सेक्सेस का डिफरेंस है। ये देखें ना जरा, ये इसमें लास्ट लाइन पे कि सेक्सेस आर रिलेटेड टू द डिफरेंसेस इन इन्वेस्टमेंट इन गैमीट प्रोडक्शन एंड पेरेंटल केयर। कि अब आपको पता है कि मेल की गैमीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, फीमेल की गैमीट प्रोडक्शन कम होती है, ठीक है ना। एक तो ये डिफरेंस है, दूसरा ये पेरेंटल केयर। अब आप जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं उसमें पेरेंटल केयर का जो प्रोमिनेंट रोल है वो फीमेल प्ले करती है। तो ये दो मेन पॉइंट हमने डिस्कस करने हैं जिस पे वो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में डिफरेंस आता है। तो ये देखें, इसने ये बैटमैन है, इसने स्टडी किया, इसको ड्रोसोफिला पे ही काम किया इन्होंने, कि क्या एग्जाम्पल स्टडी की, कहते हैं कि फीमेल प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज एनर्जेटिक एक्सपेंसिव एग्स एज कम्पेयर टू द मेल्स, ठीक है ना। ये तीन बातें हैं कि फीमेल क्या प्रोड्यूस करती हैं, आपको पता है लार्ज एग प्रोड्यूस करती हैं, एनर्जेटिक एग्स, एनर्जेटिक मतलब फुल ऑफ एनर्जी, एंड एक्सपेंसिव एग्स, एक्सपेंसिव जारी बात है, फीमेल को एग प्रोड्यूस करने के लिए जो उसमें जितने भी वो चीज़ें हैं वो ज़्यादा होंगी, तो वो उसका मतलब एनर्जी उसके लिए ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक हो गया ना। तो मेल जो है, मेल प्रोड्यूस मिलियन ऑफ स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव स्पर्म्स। तो बैटमैन ने ये कहा कि जो फीमेल हैं उनके एग्स ज़्यादा होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और इसलिए वो कम मकदार में प्रोड्यूस होते हैं, जबकि मेल के जो एग हैं वो बहुत ज़्यादा बल्क में प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए उनके को इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती। अब देखें ना आगे वो कह रहे हैं, अ फीमेल इज़ लाइकली टू मैक्सीमाइज हर रिप्रोडक्टिव सक्सेस बाई फाइंडिंग द पोटेंशियल मेट। ये बहुत अहम बात है कि फीमेल क्या करती है, पोटेंशियल मेट को लेती है अपने, उसका रिप्रोडक्टिव सक्सेस उसमें है, जबकि मेल का रिप्रोडक्टिव सक्सेस किस में है, बाय प्रोड्यूसिंग द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मेट्स, मेट्स मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशंस, ठीक है ना, कितने टाइम वो रिप्रोड्यूस करता है। तो मेल की रिप्रोडक्टिव सक्सेस इसमें है, फीमेल की रिप्रोडक्टिव सक्सेस इसी में है। अब कहता है कि हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे मेल हैं जो बेचारे नहीं कर सकते, वो चूँकि उनमें स्ट्रक्चर इतने डिवेल्प नहीं होते, वो मेटिंग के काबिल नहीं होते, लिहाजा अनइक्वल होता है। तो पहला जो पॉइंट आपने इसमें देखा है वो रिप्रोडक्टिव सक्सेस के हवाले से बैटमैन ने जो स्टडी किया वो यही है, द वेरियंस, जी द वेरियंस इन द रिप्रोडक्टिव सक्सेस वॉज ग्रेटर अमंग द मेल एज कम्पेयर टू फीमेल, ठीक हो गया जी। ये पहला पॉइंट।